नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपके अपने चैनल बी डबल आई सी में और सभी व्यूअर्स का मैं अमित कुमार सोनी चैनल पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। लेटेस्ट और नई जानकारी के साथ स्वागत करता हूं। दोस्तों, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो लेटेस्ट अपडेट लगातार आ रही हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। नोटिफिकेशन के बटन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें। शेयर भी करें अधिक से अधिक वीडियो को, और पसंद आता है तो लाइक करें। दोस्तों, कोरोना महामारी का तांडव थमने के बाद और बेरोजगार युवकों के द्वारा मध्य प्रदेश में रोजगार की मांग के लिए जबरदस्त आंदोलन के साथ में ही अब शिवराज सरकार ने घोषणा कर दी है कि नौकरियों पर भर्ती की जाएगी और जितने भी पद खाली हैं, जो कि लगभग 1 लाख के आसपास बताए जा रहे हैं, उन पदों पर भर्ती प्रक्रिया बहुत जल्द प्रारंभ की जाने वाली है। तो इस प्रकार दोस्तों, हम कह सकते हैं कि प्रदेश में अब नौकरियों का श्री गणेश हो चुका है। और इसी के संबंध में एक न्यूज़पेपर की कटिंग के माध्यम से जो न्यूज़ प्रसारित की जा रही है कि किस प्रकार से विभाग और जिलों से रिपोर्ट मांगी गई है रिक्त पदों के संबंध में और आगे क्या प्रक्रिया की जाएगी, साथ में ही 27% आरक्षण का मामला क्या है, क्या दिया है एडवोकेट जनरल ने अपना अभिमत, और आगामी भर्ती परीक्षाओं में, प्रवेश परीक्षाओं में 27% आरक्षण किस प्रकार से गवर्नमेंट लागू करने वाली है। इसके साथ ही सबसे बहुप्रतीक्षित और सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया में वायरल होने वाली न्यूज़, और वो है मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती पात्रता परीक्षा 2018 के चयनित 30,500 अभ्यर्थी जो कि लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं अपनी नियुक्ति का, उनके लिए भी विशेष रूप से शिक्षा मंत्री श्री इंदर सिंह परमार जी ने महत्वपूर्ण बयान जारी किया है। तो आइए दोस्तों, जानते हैं दोनों के बारे में संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से। तो सबसे पहले हम चलते हैं कि किन किन विभागों में सबसे ज़्यादा पद खाली हैं और क्या दिया हुआ है न्यूज़पेपर में इस संबंध में, तो किस प्रकार से होगा नौकरियों का श्री गणेश। तो दोस्तों, जैसा कि आप ये देख पा रहे हैं कि प्रदेश में नौकरियों का श्री गणेश हेडिंग से प्रारंभ होने वाली ये जानकारी है, और अवसर विभाग और जिलों से मांगी रिपोर्ट, जल्द भरे जाएंगे खाली पद। तो दोस्तों, जानकारी ये है कि मध्य प्रदेश में सरकारी विभागों में रिक्त पदों को भरने के लिए सरकार जल्द ही प्रक्रिया शुरू करने जा रही है, और इसके लिए सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी विभागों और कलेक्टरों से रिक्त पदों की जानकारी मांगी। और इसमें दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि नई भर्ती तो है ही, साथ में बैकलॉग के पद भी शामिल किए गए हैं, और शिवराज सिंह चौहान अगले सप्ताह भर्ती की स्थिति को लेकर के समीक्षा करने वाले हैं। इसके साथ ही अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए भी 27% आरक्षण पर आदेश जारी कर दिया है मुख्यमंत्री जी ने, जैसा कि आप लोगों को मालूम ही है और मैंने पहले भी लेटर के माध्यम से आप सभी को बताया है। अब दोस्तों, जो पदों की यदि हम बात करें तो यहाँ पर कहा गया है कि करीब 1 लाख पद रिक्त हैं, और सबसे ज़्यादा पद जिन विभागों में हैं वो हैं, सबसे पहली शिक्षा यानी कि एजुकेशन डिपार्टमेंट, दूसरा है गृह विभाग यानी कि होम डिपार्टमेंट, और उसके बाद में है राजस्व विभाग यानी कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट। तो इनमें सबसे ज़्यादा पद खाली हैं और इन्हीं पर ये भर्ती की जाएगी। यदि हम गृह विभाग की बात करें तो जो पुलिस से संबंधित कांस्टेबल की भर्ती है उससे रिलेटेड है, और शिक्षा विभाग में तो आप जानते ही हैं कि शिक्षकों की भर्ती होना है, इसमें भी कम से कम 91,000 पद खाली पड़े हुए हैं। अब इनकी कमी की वजह से कामकाज प्रभावित हो रहा है, अब आउटसोर्स के माध्यम से जैसे तैसे काम चलाया जा रहा है, गेस्ट टीचर के माध्यम से काम चलाया जा रहा है, वहीं पर बेरोजगारी की जो समस्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, उसके लिए भी मध्य प्रदेश के युवा लगातार आंदोलन कर रहे हैं कि भाई सरकार हमको रोजगार प्रदान करे। अब दोस्तों, समस्या ये रही है, और सफाई गवर्नमेंट के द्वारा ये दी गई है कि जो कोरोना काल रहा है, एक तो वो प्रॉब्लम खड़ी करता हुआ दिखाई दिया है, और साथ में ही जो ओबीसी आरक्षण का जो मामला कोर्ट में लंबित है उसने भी काफ़ी कुछ अड़चनें पैदा की हैं। अब दरअसल सरकार ने नौकरियों में ओबीसी आरक्षण के लिए 14 से बढ़ाकर 27% कर दिया था, जिसे हाईकोर्ट में चुनौती दी गई और उसके बाद में इस पर रोक लगा दी गई, सब जानते हैं। अब महाधिवक्ता पुष्पेंद्र कौरव ने लंबित याचिकाओं से जुड़े मामले को छोड़कर किसी में भी 27% आरक्षण देने पर रोक नहीं देने का अभिमत दिया है। इसका मतलब ये है कि जो 6 याचिकाएं लगी हुई हैं, जिसमें से 2 मेडिकल से रिलेटेड हैं और 1 शिक्षक भर्ती से संबंधित है, और उनमें याचिकाओं की संख्या 6 है, तो उन पर नियुक्ति को छोड़ करके, जिसमें कि कोर्ट केस चल रहा है, आगे आने वाली सभी प्रवेश और भर्ती परीक्षाओं में 27% आरक्षण लागू किया जा सकता है, और इस प्रकार से गवर्नमेंट ने लेटर भी जारी कर दिए हैं। तो दोस्तों, विभागीय अधिकारी जो हैं वो कहते हैं
कि मुख्यमंत्री रिक्त पदों पर भर्ती की तैयारियों को लेकर के समीक्षा करेंगे और बहुत ही जल्द इन पर भर्ती की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी जाएगी। और निश्चित रूप से जो गृह विभाग है, शिक्षा विभाग है, राजस्व विभाग है, जहां पर सबसे ज़्यादा पद खाली हैं, साथ में ही प्लस बैकलॉग भी रहेंगे, उन पर भर्ती खुल जाएगी। तो दोस्तों, इस प्रकार से ये एक पॉजिटिव खबर हम इसको मान सकते हैं कि आगे आने वाले समय में भर्ती स्टार्ट होने वाली है। और वर्ग 3 की यदि हम बात करें तो वहाँ पर भी 27% आरक्षण लागू किया जाएगा। इसलिए वर्ग 3 वालों को ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है, परेशानी है तो केवल वर्ग 1 और 2 में चयनित 30,500 अभ्यर्थियों की, जो कि इंतजार कर रहे हैं कोर्ट के निर्णय का। चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि इन भर्तियों का क्या होगा। तो दोस्तों, अभी हाल ही में शिक्षा मंत्री जी ने इसके संबंध में एक बड़ा बयान जारी किया है कि सोमवार को कोई भी प्रक्रिया प्रारंभ करने वाले हैं, तो आइए थोड़ा सा हम उस पर भी एक नज़र डाल लेते हैं। देखिए दोस्तों, शिक्षा मंत्री जी ने इसके संबंध में जो बयान जारी किया है उससे रिलेटेड जो जानकारी सामने आई है वो इस प्रकार से है कि खरगोन में MPPV द्वारा आयोजित पात्रता परीक्षा पास चयनित शिक्षक द्वारा डिप्रेशन में आकर आत्महत्या करने के बाद स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने कहा कि चयनित शिक्षकों की नियुक्ति के लिए टाइम टेबल बना लिया गया है और सोमवार से नियुक्ति प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। अब दोस्तों, उन्होंने ये बयान किस आधार पर दिया है, जबकि 20 सितंबर को अभी हाईकोर्ट में पेशी होना है और आगे सोमवार को ये क्या प्रक्रिया स्टार्ट करने वाले हैं ये तो मंडे को ही पता चलेगा कि क्या ये केवल बयानबाजी ही थी या वाकई में आगे कुछ प्रक्रिया स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, ये कुछ जानकारियाँ थी। इसमें सबसे बड़ी बात यही है कि शिक्षा विभाग, गृह विभाग और राजस्व विभाग के साथ में अन्य विभागों में लगभग 1,00,000 पद खाली हैं और गवर्नमेंट बहुत जल्द ही उन पर नियुक्ति की प्रक्रिया प्रारंभ करने जा रही है। तो दोस्तों, ये एक लेटेस्ट अपडेट थी जो मैंने आप लोगों के साथ में शेयर कर दी। और सोमवार को शिक्षा मंत्री कौन सा आदेश निकालने वाले हैं ये तो मंडे को क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों, मिलते हैं नई जानकारी के साथ, लेटेस्ट अपडेट के साथ अगले वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।